उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह आज अपने अल्प प्रवास पर रीवा पहुंचे, जहां मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच पुनः बस सेवा शुरू करने की बात पर जोर दिया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री राजेंद्र सिंह ने सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह से औपचारिक भेंट भी की। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच ट्रांसपोर्टेशन शासन स्तर पर बेहतर करने के प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए मैं स्वयं अपने प्रदेश के मंत्री और मुख्यमंत्री से बात करूंगा एवं हम कोई बेहतर विकल्प निकालेंगे। इसके अलावा उन्होंने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कामकाज की तारीफ की। आपने हमारे मन का सवाल किया, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में नहीं देश में भी हमारी सरकार है। आपने जो बात बताई है, मुझे अवसर शायद मिलेगा आदरणीय मुख्यमंत्री की मध्य प्रदेश में मिलेगा। यहाँ से लौट के जाऊँगा तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूँगा, परिवहन मंत्री जी मेरे साथी मंत्री उनसे बात करूँगा और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तुम्हारे जिम्मेदार अफसर मैं उनको ब्रीफ करूंगा और उनसे अपेक्षा भी करूंगा इस दिशा में ठोस कार्रवाई करूँगा। और दोनों मुख्यमंत्रियों को संज्ञान में लाते हुए पब्लिक कन्वीनियंस बेहतर हो कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट ट्रांसपोर्ट मध्य प्रदेश के पास भी गाड़ियों की कमी नहीं है और UPSRTC के पास भी गाड़ियों की कमी नहीं है, तो पब्लिक सर्विस बेटर हो इलाहाबाद से ही नहीं उत्तर प्रदेश के चबाल से, उत्तर प्रदेश की जो मेट्रो सिटी है उससे मध्य प्रदेश के रीवा शहर के अलावा यहाँ पर धार्मिक स्थल बहुत हैं, दर्शनीय स्थल बहुत हैं, टूरिस्ट प्लेस बहुत हैं, उनसे उनके बीच UP और MP का ट्रांसपोर्ट इनिशिएट हो, बेहतर हो, इसके लिए प्रयास। मैं आपसे एक निवेदन करूँगा, जो भी विकास के काम हम करते हैं और मैं ग्राम विकास मंत्री के रूप में ये कह सकता हूँ, उत्तर प्रदेश को इसके लिए भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कार्य की दृष्टि से उसकी समीक्षा की और उसमें उत्तर प्रदेश को कई दर्जन पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिसमें प्रथम आया उत्तर प्रदेश। हमने वाटर रिचार्ज के काम को बेहतर किया है, व्यक्तिगत लाभ के करीब 200-350 काम थे, कैटल शेड है, खेत को ठीक करना, खेत को समतल करना, मेड़बंदी करना, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग करना, तालाब को बढ़िया शेप करना, उसे टहलने घूमने लायक बनाना, खेल का मैदान बनाना, सोक पिट बनाना, जिससे कि हमारा जो वेस्ट वाटर हैंडपम्प के अगल बगल आप देखते हैं पानी इकट्ठा होता है, उससे गंदगी होती है, उससे हमने एक ड्रेन बनाया और ड्रेन को ले जा कनेक्ट किया उस सोक पिट में, तो सारा पानी उसमें जाता है। जब पानी जाता है हमारा वाटर भी वाटर लेवल भी बढ़ता है, हैंडपम्प का पानी भी हमें आसानी से मिलता है। तो हम इससे सहमत नहीं हैं कि पोल्यूशन में कहीं कोई खामी है। जब तक दोनों का साथ साथ नहीं मिलता, गवर्नमेंट का काम करने का जो जज्बा है, तरीका है, उसमें पूरी निष्ठा हो, पूरी मजबूती हो और जिसके लिए हम कर रहे हैं उसका पूरा सहयोग हो, अगर दोनों मिलते हैं तो निश्चित रूप से जो अपेक्षित है परिणाम मिलता है। इतने बड़े काम में कहीं कहीं लीकेज भी है, इस बात से भी सहमत है। तो गवर्नमेंट का काम यही है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जहाँ कहीं लीकेज मिलता है हम उसे कैसे सील करें, कैसे उसको रोकें, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है उसको। सर एक सवाल